चुनाव के वक्त प्रचार सामग्री बनाने वाले कारोबारियों का धंधा चरम पर होता है। कुछ ऐसी ही स्थिति एक बार फिर मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के दौरान देखी जा रही है। ग्वालियर में इस कारोबार से जुड़े व्यापारी नए नए आइटम्स के साथ बाजार में उतर गए हैं। बाजार में प्रचार सामग्रियों की भरमार है। पोस्टर बैनर के साथ ही पार्टी का झंडा, चुनाव चिन्ह लगे टी शर्ट और कैप भी बाजार में खूब बिक रहे हैं। हालांकि व्यापारियों की माने तो चुनाव पर खर्च को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों के चलते कारोबार फीका है। प्रचार सामग्री में जनरली जो लगता है अपना झंडे हैं, बैनर हैं, मफलर हैं, बैज हैं, बच्चों के जनरली चीजें हैं। महंगाई का असर है इस पर सामग्री पे। जो विधानसभा में हमने सामग्री ली थी उससे 1.5 गुना महंगी है। हमारे पास में झंडा है, बैनर है, बैच है, टोपी है और गमछा है। बस ये नॉर्मल चलता है। रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं है अभी तक सर। वजह यही कि चुनाव आयोग का जो डंडा टाइट है और जो कैंडिडेट जो अपनी सामग्री अच्छी तरह नहीं खरीद पा रहे।